हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग घूमने चलते हैं लुम्बिनी केबल कार। और ये बुटोल शहर में है, जिसको हम रोपवे भी बोलते हैं। और हम एंटर कर गए हैं और देखिए अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पहुँच भी जाएंगे। आखिरी तस्वीर में आप देखिएगा। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं लास्ट तस्वीर में, देखिए। और हम गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग टिकट लेंगे और फिर टिकट लेने के बाद हम लोग आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो देखिए हम टिकट लेने के लिए चले गए और ये देखिए हमने टिकट पा भी लिया और अब हम टिकट लेके आगे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। फराज, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे अब्दुल हलीम साहब, कहाँ हम लोग जा रहे हैं? केबल कार। अरे ये है, हम लोग केबल कार जा रहे हैं और हम लोग को टिकट भी मिल गया है। क्या बोला ना जिशान साहब? बुटवल के खूबसूरत जगह है ये। देखो ये आ गई हम लोग को रिसीव करने के लिए कार। हाँ सरफराज, देखो ये कार आ गई हम लोग को रिसीव करने। काफ़ी तेज इसकी स्पीड है और हम लोग चलते हैं एवेंट्री। ये देखिए केबल कार का रास्ता और यहाँ पे लाइनें आनी बहुत लंबी होती कभी कभी, इसलिए इस तरह का इंतज़ाम किया गया हम चलने। और ये बुटवल शहर पहाड़ों की बिल्कुल तलचटी में बसा हुआ यह खूबसूरत शहर। ये हम लोग जा रहे हैं, केबल कार हमारे लिए आ गई और काफ़ी तेज़ी से आ रही है। ये केबल कार हमारी आ गई, इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे। और यहाँ देखिए ये कि अब्दुल हलीम साहब दाखिल होते हुए। चलो अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग कहेंगे दरवाज़ा कब बंद होगा? दुआ पढ़ ले इंशाल्लाह। चलती है अब वहाँ पहुँच गए, हमारे मना किया लुम्बिनी केबल कार। कौन कौन है यहाँ? सभी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद आकिब खान। आपका क्या नाम है? केबल कार। केबल कार। आपका नाम? अब्दुल हलीम। आपका क्या नाम है? जिशान अल हक। अच्छा, माशाल्लाह। हमारा नाम तो सब जानते ही हैं लगभग। इधर का व्यू दिखाओ कितना मस्त है। नदी, नीचे सड़क, इसी रोड पे हम लोग आए थे। और नीचे पहाड़ कम हो गई ना पीछे, इसी रोड से आए थे हम। और देखो नीचे सड़क जिससे हम कल गए थे वहाँ पे, वो वाली। हम लोग अब जा रहे हैं और ये आपने बहुत ज्यादा जूम कर दिया। एक तो हाथ वैसे नहीं काम कर रहा जूम पे, तो नहीं काम करेगा। अच्छा इधर है पकड़ने का। ये देखिए नीचे ये खाई और ये अरे अंधे नम वाले यार। और ये रोपवे आता हुआ, दो दो रोपवे नीचे। ये 900 मीटर गहराई है खाई की नीचे तो। और इधर देखिए ये पीछे, हम लोग उधर से आ रहे हैं बहुत दूर से। और जानते हैं कि हम लोग का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, इस वजह से सबके अंदर पसीना बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये केबल कार खाली जाता हुआ देखो, अभी हम वैसे वापस आएंगे। सब पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। देखिए यहाँ पे देखिए सबको पसीना आ रहा है, बस ये अल्लाह ताला पहुँचा रहे हैं। और एक ये देखिए दो दो केबल कार आ रहे हैं और ये नीचे खाई है और रोड वो नीचे देखिए वहाँ पे रोड है। ओ भाई, कल वहीं से निकले थे हम लोग मंदिर के पास। रोड से हम लोग गए थे तानसेन, वहीं दिखी भी थी हम लोग। हाँ वहीं से हमने केबल कार को देखा नहीं था। हवा लग रही है ऊपर देखिए, ओ बादलों की उसमें हम लोग को जाना है। और ये नीचे नदी, ये मैकेनिकल स्टील है। कई थू यार, दो दो चार कुछ बहुत सारा है। ये नेपाल सरकार हम लोग के लिए इन्होंने इंतजाम किया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं नेपाल सरकार के। हमेशा मुझे लगता है, हाँ हमेशा चलते रहता है, कोई रोकेगा नहीं दिन बस। और ये नीचे नदी, ये मैकेनिकल है ही, ये चीज ऐसी है। अभी नहीं लग रही थी, अब लग रही है। अब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तानसेन के करीब हो रहे हैं हम लोग। वहाँ बादल में जा रहे हैं, बारिश हो रही है। अरे मजा आ जाएगा। आवाज आ रही है, केबल कार हम लोग की तरफ तो नहीं आ रही है, जा रही है। बीच में कोलिजन हो जाए। नीचे से नदी जा रही है यार, कोई पाएगा नहीं। अरे अल्लाह क्या मंजर है। बुटवल शहर भाई, अभी भी बहुत ऊपर। ये बुटवल शहर, अरे 2.5 किलोमीटर ऊपर जाना भाई। ये बुटवल शहर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। और ये जिशान साहब जो सीतापुर से तशरीफ लाए हैं लखनऊ, इस सफर को
मुबारक करने के लिए। इसकी वजह से हो रहा था नहीं। और ये सरफराज गोरखपुरी आवाज बंद है जो डर की वजह से कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। और ये अब्दुल हलीम साहब मौलाना शाद रशीदी साहब के जो रोपे में बैठ के भी टिकट निकाल दे रहे हैं। अब देखो अब बादल के बीच में हम लोग घुस रहे हैं। हमको बादल कम दिख रहा अब दिखेगा। अब काला चश्मा लगाए थे तो आपको बादल कहाँ से दिखेगा। अब हम आपको इधर से बाहर से दिखाते हैं थोड़ा सा नजारा। अरे नहीं भाई महंगा 1.5 लाख नहीं नहीं फोन हम बाहर नहीं करेंगे। ये बुटवल शहर पूरा बादल आगे बीच में लग रहा है। ये हम लोग बादलों के बीच में देखो। तानसेन के ऊपर हम लोग अभी नहीं पहुंचेंगे। नहीं नहीं तानसेन 1400 मीटर है। 1400 मीटर है और ये 900 मीटर 900 मीटर 2.5 किलोमीटर 250 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब हम लोग बिल्कुल ऊंचाई पर टॉप पर पहुंच चुके हैं और अब सबके चेहरे पे खुशी एक बार दोबारा आई। उसी के साथ साथ थोड़ा फिक्र भी दिख रही है सबके चेहरे पे कि भी वापस भी जाना है इसी के सहारे। चढ़ते चढ़ते थक गए। चलो यार देख लेते हैं ऊपर क्या है। देखो बुटवल यार क्या खूबसूरती है। नदी के किनारे बसा हुआ शहर। पहुंच गए नहीं हम लोग। अच्छा ये मंदिर है। इधर दूसरा शहर तो दूसरा दूसरी लोकेशन। ये सब लग रहा कुछ सर्वे हो रहा है कुछ बनेगा। ये देखो इधर अरे यार क्या मस्त हवा है। तो हम लोग ये कौन सी मंदिर है कामाख्या मंदिर के पीछे से होते हुए अभी और आगे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। आगे क्या होगा देखते हैं। ये कामाख्या मंदिर ये सरफराज ये अब्दुल हलीम साहब और ये नीचे का मंजर ये बुटवल शहर पूरा। और ये देखिए इस तरह से ये नदी है नदी पे पुल। और ये वाला पुल जो दिख रहा है यही राजमार्ग वाला पुल है जो नेपालगंज जाता है। और ये जो है ये राजमार्ग वाली रोड है। और फिर ये देखिए ये इधर ये वाली रोड जो ये वाली बिल्डिंग दिख रही है ये पूरा मोहल्ला ये राजमार्ग है जो इधर नारायण घाट की तरफ जाता है। और फिर ये वाली रोड ये रोड ये भैरवा जाती है। और ये हम लोग यहाँ हैं। और ये देखो ये ज़ीशान हाँ इस खुशगवार मंज़र का लुत्फ़ उठाते हुए 28 को अब्दुल हलीम साहब की शादी है जिसमें आप लोग सब लोग मदऊ हैं। देखो एक तरफ ये है हम लोग बिल्कुल चोटी पे आ गए ना। इधर मंदिर है और इधर ये तीनों शरीफ लोग और इधर बुटवल शहर। बादलों के बीच में ये देखो बादल पूरा एकदम ये देखो क्या खूबसूरती है। धुंध में बादल क्या दिखेगा इसमें। हाँ उसमें देखो लोग बैठेंगे तो नीचे बादल रहेगा ऊपर बादल रहेगा। ये सब बादल देखो क्या कह रहे हैं सर आप। मैं कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि हम लोग दिसंबर के महीने में हैं पूरे चारों तरफ से कोहरा है। अच्छा लेकिन ये सब बादल है नीचे से। अच्छा अभी आप कितने हाइट में हैं बुटवल में। हम लोग 1020 मीटर की ऊंचाई पे हैं। फिर करके 5 मीटर और चढ़ेंगे तो 1025 हो जाएगा। अच्छा और ज़ीशान साहब आप क्या कहेंगे इस मौसम के बारे में। मौसम बताइए कैसा है मतलब खुश मिजाज है कैसा है। बहुत खुशगवार मौसम है। हम ये कहेंगे उधर जाने से अच्छा सीधे आइए मौसम वाकई में बहुत खूबसूरत है बहुत याराना सा मौसम लग रहा है। ये देखो हम लोग ऊंचाई पे आ गए। अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे थे ना तब मौसम कैसा था उस वीडियो से इस वीडियो का कंपेयर करना देखना। पूरा बादलों के बीच में बिल्कुल जनवरी वाला मौसम आ गया। थोड़ी देर में बर्फबारी भी
लग रहा हो जाएगी, लेकिन ये बादल है। बहुत अच्छा मौसम। आप लखनऊ से आए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, एकदम टॉप जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, बिल्कुल बिंदास। थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ से बुटवल शहर देख रहे थे, अब यहाँ से हमें सिर्फ बादल नजर आ रहा है, सब गायब हो गया। पैदल यात्रा माउंट एवरेस्ट की तरफ चढ़ाई करते हुए। हाँ, और देखिए अब्दुल हलीम साहब अपने बिजनेस में अभी तक बिजी हैं, पुलिस बीट। और देखिए ऊपर से लोग आ भी रहे हैं, यानी ऊपर रास्ता है, हम लोग जा सकते हैं। और बारिश भी हो रही है, लेकिन हम बेफिक्र हैं क्योंकि हम बादल से ऊपर जा रहे हैं। और नहीं, फ़ोन तो वाटर प्रूफ से नहीं, मतलब है ये है कि हम बादल से ऊपर चले जाएंगे तो बारिश नीचे होगी, तो हम लोग ऊपर बचे रहेंगे। बस इन पत्थरों के बीच से, बस बारिश देखिए नीचे कितनी तेज़ हो रही है, हम लोग ऊपर आ गए। मज़ा है आगे बाइक, मज़ा तो है ही है। नीचे देखो कितने बादल के बीच से, लग रहा है अब निकलना ही पड़ेगा। देखो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। सरफराज कहाँ? अब वापस जा रहे हैं सर। अच्छा, मज़ा आ गया ना, अब बादल के नीचे जा रहे हैं। अगला प्लान क्या होगा, अगली मंजिल क्या होगी? अगली मंजिल लुम्बिनी। लुम्बिनी नहीं, नेपालगंज। नेपालगंज ये केबल कार जो है, देखो शायद नीचे से एक आ रही है, ये आ रही है केबल कार। यहाँ पे देखो बहुत तेज़ी से, और इस तरह से ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। यहाँ से होते हुए ये अंदर चली जाएगी, और फिर यहाँ से दोबारा ये नीचे जाएगी, और फिर हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम लोग आ गए वापस जाने के लिए स्टेशन पे दोबारा। अब ये वाले से हम दोबारा जाएंगे, देखिए एक खाली हो गया, और कोशिश करेंगे कि हम चार लोग सिर्फ बैठें। देखो कई लोग आ सकते हैं सर। हाँ, एक साथ कई लोग आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग खाली चार लोग जाएंगे। हाँ चलें, हमारी जल्दी से। अब देखिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे यहाँ से पहले हम लोग यही थे इस जगह पे। और अब देखिए नीचे, ये देखिए, ये पूरा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा ट्रॉली। अरे अल्लाह, ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए नीचे सड़क और नदी, हम लोग वहाँ तक पूरा जाएंगे। और ये सरफराज जो डर की वजह से आंखें बंद की हुई है और चश्मा लगा लिया ताकि इनको कोई देख ना पाए। ये देखो बादल, अभी हम लोग ऊपर थे तो वहीं पे बादल थे, और अब देखिए हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे बादल नहीं, हम लोग नीचे जा रहे हैं। और नीचे देखिए कितनी खाई है और सबकी हालत खराब है, खासतौर से सरफराज भाई की। ये देखिए इनकी आंख खुल रही है, आंख नहीं खोल रहे हैं, और देखो चश्मा, देखो इसीलिए चश्मा भी लगाए थे। और अल्लाह ताला रहम करे। और हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा, और ये देखिए ये बुटवल शहर, और नीचे से केबल कार आ रही है। देखो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग के जो प्रेशर है उसकी वजह से हमारे कान का ईयर ड्रम जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और सुनने में परेशानी आ रही है। तो ये स्टिचिंग ट्यूब का आपने नाम सुना ही होगा, वो इस टाइम काम करेगी और हमारे कान का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करेगी। हम लोग बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये नीचे का मंजर, ये खाई, ये देखो, ये देखो कितनी तेजी से रोपवे जा रहे हैं ऊपर। ये देखो हम लोग कितना नीचे आ गए, हम लोग कहाँ थे उस जहाँ बादल हम लोग कहाँ थे अभी कुछ देर पहले। देखो अरे क्या बनाया इन्होंने, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया और इन्होंने इसको करके दिखाया। ये देखिए सामान ढोने के लिए भी इन्होंने ट्रॉली लगा रखी है, उसके लिए भी नीचे से ऊपर सामान ले जाते हैं। सीमेंट बालू कुछ भी इनको लाना होता है तो इसी में रख के ये ले आते हैं। देखिए ये है, ये नीचे क्या करिश्मा, ये रोड है बढ़िया, पोखरा वाली रोड। देखो इसी गेट से हम लोग देखे थे कल रात में, आप वहाँ बैठिए।
ये देखो ये सरफराज पहुंच गए आगे। अबे कितना ऊंचा आप दिखाओ अभी, और नीचे अभी बहुत नीचे है, बहुत ट्रॉलिंग यार वहां से यहां तक। देखो कितनी ट्रॉलिंग, बहुत ट्रॉलिंग आ रहा है देखो वहां से। हमारे तार पे तीन है, चार वहां सा रहे हैं, वहां तीन ही जा रहा है, एक दो तीन चार। हां यहां इस खंभे से, उस खंभे में सिर्फ लटके हुए हैं सब। शहर यहीं से हम लोग गए थे और दोबारा हम लोग यहीं आ गए। ये देखो अरे अल्लाह, यहां पोलवा आ रहा है, ये हिल जा रहा है पूरा ये नदी, नीचे जा रहा है, बहुत मेहनत करके चला रहा है। और बताओ असल में फिट किया है ना। हम लोग अब पहुंच ही गए स्टेशन पे, तो हम लोग के लिए दरवाजा खुल गया, हम लोग जाएंगे। ये सर्विसिंग का है, नहीं है ये देखो। हम लोग यहीं से गए थे ना, इधर से चढ़े थे और अब इधर से एग्जिट कर रहे हैं। हम लोग की कार यहाँ पार्क है, ये देखो बारिश होने लगी। हम लोग नीचे आए, ऊपर बारिश नहीं हो रही थी लेकिन नीचे आते ही बारिश का सामना करना पड़ा। काफ़ी खूबसूरत लेकिन बना है ना, बहुत अच्छा बना है। और भाई बता रहे हैं कि सिर्फ ये 14 महीने में बना ना, और ऑस्ट्रिया से इसकी फंडिंग हुई है सारी, यहाँ तक कि नट बोल्ट तक जो है वो भी ऑस्ट्रिया से ही इंपोर्ट किया गया है, यहाँ का कुछ नहीं है। इसी वजह से ना देखिए टेक्निक और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यहाँ का बोर्ड जितना अच्छा है, इसका कंस्ट्रक्शन है उतनी अच्छी लोकेशन है इसकी ना, देखो कितना अच्छा बना है। और ये बता रहे हैं कि अभी 2 महीना पहले चालू हुआ है, और जो बीच बीच में खंभे आपने देखे होंगे उसको ये बता रहे हैं कि एक खंभे पर इन्होंने 7 करोड़ रुपये का खर्च किया है। यहाँ जो इंजीनियर आते थे उनकी पर डे की सैलरी 2 लाख थी, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इस पर वो किया और बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मजबूती से काम किया है।